हेलो 1079 चैप्टर 1079 मज़ेदार चैप्टर, डिटेल में बात करते हैं आफ्टर दिस इंट्रो, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ऑब्वियसली टॉक अबाउट यॉर्क। भाई ये गवार रोबोट क्यों इसने वेगापंक को धोखा दिया भाई, इवन आफ्टर नोइंग कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स इसके पीछे पड़े। आई डोंट गेट इट भाई। आई मीन यॉर्क नोस कि उसे इजिली हराया जा सकता है, बट फिर भी दोगला हरकत करना भाई, वाई? सेराफिम पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट नहीं हो रही यॉर्क। वैसे एक चीज़ ध्यान दिया कि यॉर्क ने चारों सेराफिम को बोला कि स्टेला और सीपी के एजेंट्स जो अंडरग्राउंड में हैं उन्हें नहीं मारने। स्टेला को नहीं मारना आई गेट इट, बट वाई सीपी के एजेंट्स? Could it be that York कुछ negotiation करने की सोच रही है वर्ल्ड गवर्नमेंट से? अगर हाँ, then I must say कि York अभी जितनी गवार दिख रही है वो उससे भी ज़्यादा गवार है। Like she really thinks कि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट इन चुन्नू मुन्नू सीपी एजेंट्स के लिए कुछ negotiate करेंगे, लमाओ। एक और चीज़, York ने लास्ट में हानकॉक सेराफिम से लैब के कौन से पर्टिकुलर एरिया को डैमेज नहीं करने की बात की है। आई वॉन्ट टू नो दैट टू। एंड ये हानकॉक सेराफिम जो उड़ान सी भर दी है, ये फ्लैशबैक का सीन है कि एट प्रेजेंट का सीन है? आई थिंक हानकॉक सेराफिम एट प्रेजेंट कहीं जा रही है, मे बी अंडरग्राउंड लैब, यॉर्क के स्पेशल ऑर्डर्स मानने। लेकिन अगर ऐसा है तो व्हाट हैपेंड टू फ्रैंकी? उसको आधा पत्थर बना के ही भग गई हानकॉक सेराफिम, आधा उसको लाइक भाई शी डिडंट इवन बॉदर फिनिशिंग हिम। अजीब, बट क्या पता भाई, शायद ऑफ स्क्रीन में फ्रैंकी को उसने पूरा पत्थर बना दिया। वैसे एक और चीज़ कंफर्म हो गया है मोस्ट लाइकली कि एगहेड में चार ही सेराफिम हैं। आई मीन भाई यॉर्क ने इन्हीं चारों से बात किया है, तो या एगहेड आइलैंड से थोड़े दूर में हमें वैसे एक शिप दिखा है, एंड ये शिप किसका है? ब्लैकबियर्ड का। डज दिस मीन कि ब्लैकबियर्ड आ रहा है एगहेड? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इवन इफ ब्लैकबियर्ड और लॉ का लड़ाई अभी तक ख़त्म हो गया हो, ब्लैकबियर्ड के पीछे अभी भी एक चीचा पड़े हैं, गार्प, विच इज़ वाई आई डोंट थिंक ब्लैकबियर्ड इतनी ईजिली आ पाएगा एगहेड इतनी जल्दी वो भी। वॉट आई थिंक इसकी ये हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्रू है ब्लैकबियर्ड का। यू रिमेंबर राइट कि ब्लैकबियर्ड वर्सेस लॉ के टाइम पर पूरा क्रू ब्लैकबियर्ड का वहाँ पर नहीं था, बर्गेस, ऑगर और एक दो लोग ही थे बस ब्लैकबियर्ड के साथ। बाकी बचे हुए कैरेक्टर्स जैसे डिवॉन, शीरियू, आउकीजी, वो कहाँ थे वी डोंट नो। वेल मे बी दे आर इन दिस शिप जो एगहेड के पास अभी हमें दिखा है, बाकी का पता नहीं, बट शीरियू और आउकीजी तो मेरे हिसाब से है इस शिप में। एंड क्यू आर ए एगहेड? सिंपल आंसर है इसका, वेगापंक को पकड़ने। शीरियो अपने फ्रूट के पावर्स को यूज़ करके वेगापंक को किडनैप कर सकता है, या किसी स्टेला को भी किडनैप कर सकता है, और आउकीजी हमें दिख सकता है मे बी अगेंस्ट कीजारू, या फिर रॉबिन के सामने आउकीजी फिर से आ सकता है। आई रियली वॉन्ट आउकीजी टू बी इन दिस शिप। एंड अगर तुम ये पूछने वाले हो कि भाई ब्लैकबियर्ड को वेगापंक से क्या मिलेगा, ब्लैकबियर्ड पावर्स जो आ रही है, अगर ये वेगापंक के लिए आ रही है तो ये क्यों आ रही है वेगापंक के लिए? इसका आंसर सिंपल है काफ़ी, क्योंकि एट प्रेजेंट वेगापंक को ओहारा वालों से भी ज़्यादा पता है ग्रेट किंगडम के बारे में, तो एट प्रेजेंट वेगापंक बहुत क्रूशियल होगा किसी भी योंको के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन सिचुएशन ऑफ दिस चैप्टर, शैंक्स वर्सेस किड। फर्स्ट ऑफ ऑल अ ह्यूज अप्लॉज फॉर शैंक्स एवरीवन, तालियां बजाओ सबके सब। उसने तरीके से किड को उसका औकात दिखाया, मज़ा आया शैंक्स को देख के इन एक्शन। और जब मैंने स्पॉयलर्स रीड किया था इस चैप्टर का, आई थॉट कि शैंक्स का कामिसोरी और आई शुड से डिवाइन डिपार्चर रॉजर के कामिसोरी से बेटर दिखेगा, स्ट्रॉन्गर था शैंक्स का कामिसोरी, बट दिखने में इट डिसअपॉइंटेड मी अ बिट। ये पैनल को मैं बिना रॉ स्कैन से स्पॉयल हुए देखा था, वो भी लाइव में, एंड इट फेल्ट नॉर्मल। बट जो इस चैप्टर के फाइनल पैनल्स है ना, स्पेशली दिस पर्टिकुलर पैनल जिसमें दोनों दल्ले जायंट्स ने किड का शिप डिस्ट्रॉय कर दिया है, डैम दिस पैनल इज लुकिंग सिक, अ वंडरफुल पैनल भाई, बहुत फार पैनल, एंड वो भी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भाई। एंड आई रियली लव द वे शैंक्स वन शॉटेड किड एंड किलर लमाओ। बट इससे मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुआ रिलेटेड टू अदर योंकोस कि ओडा ने योंकोस तो बना दिया है, बट योंको को हैंडल करने में हक दिया उन्होंने। इस पे मैं डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेगा, ठीक है? अच्छे से मैं इस पे वीडियो लाएगा पक्का। अभी तो आई एम श्योर सारे शैंक्स फैंस कई खुश होंगे, आरवीएस देखना जिंदगी के सबसे बड़े स्माइल के साथ वीडियो बनाएगा, गुड फॉर शैंक्स फैंस, आफ्टर डेकेड्स शैंक्स फाइनली एक्शन में दिखना चालू हो गया है, नाइस। बाय द वे तुम्हें क्या लगता है कि शैंक्स को कैसे ब्लैकबियर्ड के वेयर अबाउट्स के बारे में पता है? इस पैनल में एज यू कैन सी शैंक्स ने ब्लैकबियर्ड के बारे में बात किया है। डज दिस मीन ब्लैकबियर्ड के क्रू में कोई ट्रेटर है? आउकीजी में भी, क्या बता? अरे हाँ,
शैंक्स के ये वाले कामिसरी को देख के कोई ये मत समझने लग जाना ठीक है कि शैंक्स रॉजर से स्ट्रॉन्ग हो गया है। रॉजर ने जो कामिसोरी ओडन पे यूज़ किया था वो एक मजाक था, वेरे शैंक्स ने यहाँ पर एकदम सीरियस होके फुल पावर कामिसोरी यूज़ किया है। फटी भाई शैंक्स की फ्यूचर साइट देख के, पसीने वसीने देख रहे हो लमाओ। फ्यूचर साइट ऑफ शैंक्स वॉज वेरी इंप्रेसिव आई मस्ट से, 10 सेकेंड अहेड फ्यूचर देख लिया लॉन्डे ने, नाइस। और क्या स्पीड से रिएक्ट किया भाई, इतना स्पीडी रिएक्शन मुझे एबनॉर्मल लगा। आई मीन कुछ ज़्यादा ही फास्ट शैंक्स किड के सामने नहीं पहुंच गया। आई मीन आई नो ही इज़ अ योंको, बट स्टिल योंको के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा लिख सामने प्रकट हो गया भाई, अचानक से सब फील हुआ। डज शैंक्स पोजेस सम डेविल फ्रूट पावर्स? मे बी नॉट, क्या पता। ऑल्सो शैंक्स इज नॉट ईविल, एटलीस्ट फॉर दोज हु हैज़ अ गुड रिलेशन विथ हिम एंड इवन फॉर हिज एनिमीज। वो चुन्नू मुन्नू शिप्स के डिस्ट्रक्शन से क्या फटी थी भाई शैंक्स की, लाइक देखे तुम, रिएक्शन देखा। एंड शैंक्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक किया किड पर, बट आई ऑल्सो थिंक कि उसने होल्ड बैक किया, वरना किड मर जाता। एंड उसने यासोप से भी पूछा ना कि किड हेल्दी है कि नहीं लमाओ, लाइक शैंक्स बींग काइंड एंड देन स्मैकिंग द शिट आउट ऑफ किड, नाइस। क्या किड पायरेट्स अब खत्म है? आई थिंक सो येस। क्या किड अब खत्म है? मेंटली येस, बट किड बाद में वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ हो सकता है या फिर लूफी के अगेंस्ट हो सकता है, क्योंकि लूफी शैंक्स दोस्त है। किड अब एक ग्रज होल्ड करने वाला आई थिंक अगेंस्ट शैंक्स। शैंक्स ने फिजिकली एंड मेंटली किड को फिनिश कर दिया है, एंड किड का कैरेक्टर आप दिख सकता है बट शायद ही दिखेगा, मेन कैरेक्टर थोड़ी है ये। स्टिल ही इज़ एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, तो आई डोंट थिंक ओडा इसे ऐसे ही जाने देगा। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे मरने वाला है, सच बता रहा मैं। नेक्स्ट वीक ब्रेक है, नाइस। अब क्योंकि किड और उसके बाकी क्रू मेंबर्स पानी में गिर गए हैं, तो ये कैसे बचने वाले हैं इधर से, आई वॉन्ट टू नो। आई डोंट थिंक शैंक्स इनको ऐसे ही मरने देगा, मे बी ही रेस्क्यू देम एंड देन ही जस्ट लेट देम गो, या मे बी इधर पर शैंक्स इन्हें छोड़ देगा मरने के लिए। अगर ऐसा हुआ मतलब किड डेड है, जो कि मुझे नहीं लगता होने वाला है। अकेले किड का 3 बिलियन बाउंटी शैंक्स के खाते में आ गया, लेट्स गो। एगेट में कौन सा ब्लैक बीट पायरेट्स का मेंबर आ रहा है, आई वॉन्ट टू नो। आई होप भाई आउकी जी दिखे एंड शीरियो भी। हानकॉक सिर्फ हम किधर जा रही है और वो क्या करने जा रही है और उसको कौन रोकने वाला है भाई, ये मैं कब से जानना चाहता है बट अभी नहीं पता चल रहा भाई। कोई बात नहीं, शैंक्स अब एलबेफ से किधर जाएगा? देखो मैंने बोला था ना कि शैंक्स लूफी का रियूनियन नहीं होगा भाई, देखो मुझे पता था यार नहीं होने वाला, अभी बहुत टाइम लगेगा, करोड़ साल अभी और। एंड हाँ, शैंक्स के पास अब 2 कन्फर्म्ड रोड पुनेग्लिप्स है, नाइस। यॉर्क अब क्या नए फुद्दू हरकतें करेगी आई वंडर, एंड दैट्स इट। ओ हाँ, अगर तुम्हें कॉमिक्स रीड करने में इंटरेस्ट है देन आई रियली रिकमेंड यू दिस कॉमिक कॉल्ड आई एम दी CEO। फन इसे का एक कॉमिक है, ये नया है ये कॉमिक, इसलिए तुम एकदम तुरंत इससे कैचअप कर लोगे। ये तुम्हें मिल जाएगा वॉइस मी में, जहाँ पर और भी काफ़ी सारे कॉमिक्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने। अभी ये वीडियो ख़त्म हो ही रहा है तो इसके बाद जाके देख लेना, एंड वॉइस मी को भी चेकआउट करना मत भूलना। एंड चलो अब नेक्स्ट वीडियो में ये बात सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।